इस वीडियो का मकसद किसी की भी भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य है रिटायरमेंट के 21 साल बाद भी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की नोहर तहसील के गांव थालड़का को अपनी निस्वार्थ सेवा दे रहे पूजनीय गुरुदेव ब्रिजलाल जी वर्मा को सबके समक्ष लेके आना है। विभाग से भले ही 31 जुलाई 2002 को उनको सेवानिवृत्ति मिल गई, लेकिन रिटायरमेंट के बाद अब तक के 21 सालों में ऐसा दिन एक भी नहीं गया जब गुरुदेव विद्यालय में ना आए हो और बच्चों से भेंट ना की हो। इस वीडियो में हमने कोई गंभीर बातें नहीं की है, बल्कि हंसी का माहौल बनाए रखने के लिए मैंने कुछ हल्के फुल्के सवालात गुरुदेव से किए हैं और गुरुदेव का वाक चातुर्य उनके प्रत्युत्तर में देखने को ही बनता है, तो इसे एंजॉय कीजिए। एक बार फिर आपको ले चलते हमारे स्टूडियो में हमारे चीफ गेस्ट ब्रिजलाल जी के पास। दर्शक जानना चाहते हैं गुरुदेव, आपके कंधे पे जो ये टॉवल रहता है, इसके पीछे क्या कहानी जुड़ी हुई है? इसके लिए कोई लंबी कहानी तो नहीं है, परंतु सर्दी, गर्मी, बरसात, आंधी, ये सभी से सुरक्षित रहते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल गुरुदेव, तो क्या सर्दी के सीजन में हम रजाई भी देखेंगे आपके साथ? नहीं रजाई नहीं देखेंगे, ये टॉयल ही देखेंगे। गुरुदेव से मैं और जानना चाहूंगा, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ये अपने कुछ विचार रखना चाह रहे हैं बोल के बारे में। मैं जब बच्चों को पढ़ाता था तो BABBALL बॉल बन गेंद, तो ये बच्चे बताते थे ये गेंद कौन सी अच्छी होती है, रबड़ की, लकड़ की, फोर की। बच्चे बोलते थे जी क्रिकेट के अंदर जिनकी रुचि थी वो तो कहते जी लकड़ वाली, मैं नहीं से मर जाता है। अभी कश्मीर के अंदर एक टूर्नामेंट हुआ और उसके अंदर एक खिलाड़ी की डेथ हुई थी, आप याद करें तो, क्रिकेट वाला जानता है। और दूसरे जो रबड़ की गेंद है उससे अगर किसी के लग जाएगी पीठ में या कहीं तो उसके घूमड़े हो जाते हैं, तो कपड़े के जो बढ़ाई हुई गेंद होती है उसे न घूमड़े होते हैं न मरता है। धन्यवाद। बिल्कुल गुरुदेव, हम इसका स्पेशल ख्याल रखेंगे और फुटबॉल की जगह भी हम पूर्वादी बॉल की अनुशंसा करेंगे। गुरुदेव, और कौन कौन से आपके जमाने में जो खेल हुआ करते थे और आज हम देख रहे हैं कि लगभग वो विलुप्त हो चुके हैं, ऐसे गेम कौन से हैं जो आजकल की युवा पीढ़ी को तो पता ही नहीं है कि ऐसे भी खेल थे क्या, जो मान लो आपने बचपन में देखे होंगे, आपके दोस्तों के साथ खेले होंगे? अरे कहना क्या चाहते हो? नहीं, एक खेल होता था, अब पुराने लोग जानते हो, लुक मिचाणी। लुक मिचाणी, लुक मिचाणी का अर्थ होता है तू लुक जा और मैं तुझे ढूंढूंगा। तो कई तो ऐसे लुक जाते थे तो वो मिलते ही नहीं थे, ऐसे भी खेल होते थे पर तो बड़ी मुश्किल से मिलते थे। धन्यवाद। बिल्कुल गुरुदेव, आजकल भी छोटे बच्चे हाइड एंड सीक के नाम से उनको खेलते, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बदला है, परिस्थितियां बदली है, सोशल मीडिया आ जाए, आज बच्चों के हाथ में, हम हर एक छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल देखते हैं, जिसने वो हर नवाचार को खत्म कर दिया, वो पुराने गेम्स को खत्म कर दिया है। यही वजह है कि अब आउटडोर गेम्स लगभग खत्म ही हो चुके हैं। एक कुरा डंडा भी हुआ करता था, आपने कभी नाम सुना है क्या? पीपल के पेड़ के पास कुरा डंडा मैंने खेला है। चल झूठा, ये आप ज्यादा बताएंगे कुरा डंडा के लिए। बिल्कुल, जिन्होंने खेला है वो जरूर जानते होंगे। कैसा लगा मेरा मजाक? एक पुराने टाइम में जो कांच की गोली से खेला जाता था, क्या आपने वो कंचे खेले हैं क्या कभी? मैंने खेले तो नहीं है, परंतु खेलने वालों को मुर्गे जरूर बनाए। तेरा क्या होगा कालिया, गुर्गा हो चाहे थर्ड का हो, परंतु मैं गणना करता था, अगर कोई कांच की गोली गिर जाता तो वह निकालने बड़ी मुश्किल होती थी, मुंह में रखते थे तो या तो ऑपरेशन होता था या पता नहीं किसी तरीके से वो निकालते थे। और जब मैं भुकरका पढ़ाता था 88 से 2000 तक, तो गांव के जो लोग होते थे वो ये कहते थे गुरुजी हमारे ताबे नहीं आते, आप इनको मारो कुटो कुछ करो। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। मैं वही उनको मुर्गा बना देता था ग्राउंड के अंदर या गलियों के अंदर, तो वो बहुत खुश हो, यही हाल यही था। आज समय बदल गया, समय के साथ जो चलेगा वही जीतेगा। धन्यवाद। बिल्कुल, आपका पीछे का मैंने एक इंटरव्यू देखा था, आपने बताया कि मैं बच्चों को पीटता नहीं था, और आज आपने एक नया बयान दिया कि आप मुर्गे बनाते थे। अच्छा, हमको सिखा दिया है पीटना और मुर्गा बनाने में अंतर है। मुर्गा 2 मिनट के लिए बनाता और उसके बाद हटा देता। बिल्कुल, ये एक दंड का एक अलग प्रावधान था, लेकिन बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। लेकिन पुराने जमाने के गुरुजियों को पता कैसे चल जाता था कि ये बच्चा कंच की जो गोली है वो खेल रहा है? काफी एक आतंक का माहौल था।
स्कूल में, गली में, गांव में, और मुझे पता चल जाता था कि ये बच्चे खेलने वाले हैं, और मैं प्रार्थना में बुला लेता और गलियों में देखता तो वो सब बच्चे डरते थे और बाकी कहते हैं गुरुजी आ रहे हैं तो उन्हों खेल बंद कर देते, लुक जाते थे। मैदान छोड़ के भाग रहा। गेम्स में क्या परिवर्तन आया है? आपके टाइम में भी गेम हुआ करते थे और आजकल भी गेम है। क्या आप भी आपके स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में कभी गेम से जुड़े हो, किसी भी गेम से जो आपका फेवरेट हो? मैं गेम से नहीं जुड़ा हूँ, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। यही वजह है कि शिक्षा आपके व्यक्तित्व में झलकती भी है, लेकिन गेम से आप बिल्कुल जुड़े हुए हैं, क्योंकि भले ही आप दर्शक के रूप में जुड़े हुए हैं, आपको हम गेम से जुड़ा हुआ ही मानेंगे, क्योंकि दर्शक अपनी संवेदनाएं जोड़कर उस गेम का लुत्फ उठाता है, चाहे कोई भी स्टेडियम के बाहर ही क्यों ना बैठा हो। अक्सर गुरुदेव को देखने को मखाने आप खाने क्यों नहीं देते गुरुदेव? इसके पीछे क्या किस्सा है बताना चाहेंगे आप दर्शकों को? काफी शिकायत है कि गुरुदेव खाने नहीं देते मखाने। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसका मेन रीजन ये है कि आप खाओगे तो एक सेकंड भी नहीं लगेगा, उसको रगड़ देंगे आप, और जब जीप के पास रखेंगे तो उसमें टाइम लगेगा, और जितना टाइम लगेगा उतना ये मीठा रहेगा। धन्यवाद। और गुरुदेव क्या कहना चाहोगे इस प्रकार के, आपकी उम्र के कोई ज्यादा हम दर्शक यहाँ पर नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पर है, आपकी कोई साथी टोली यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रही है? मैं नहीं बताऊंगा। मेरे साथ के जो अध्यापक हैं 99% तो परलोक भगवान के लोग चले गए, सह लेंगे थोड़ा सा, और 1% जैसे राकेश जी बताते हैं बिहारी जी हैं, या एक दो कोई है तो वो ओपन नहीं होते, जो ईश्वर अल्लाह भगवान वाहेगुरु और अब ये सबकी कृपा है मेरे पर जो मैं आज स्कूल आ रहा हूँ। धन्यवाद। बिल्कुल गुरुदेव, हम सबकी दुआएं हैं, फैन फॉलोइंग्स आपकी इतनी ज्यादा है, हालांकि आप सोशल मीडिया पे हावी नहीं है, अगर सोशल मीडिया पे हावी होते तो निश्चित रूप से 1 मिलियन से ज्यादा आपकी फैन फॉलोइंग्स होती। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। क्या कहना चाहोगे, आज इतना टेक्नोलॉजी एडवांस युग है, आपको हम सोशल मीडिया पे कब देखेंगे? 1 eternity later। ये आपके जो आप कर रहे हैं और वो आप जल्दी सोशल मीडिया पर मुझे पहुंचा देंगे। धन्यवाद। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? बिल्कुल जिन दर्शकों को पता नहीं है, गुरुदेव का जल्दी ही इंटरव्यू आप सोशल मीडिया पे देखने को मिलेंगे, इनके से आप सोशल मीडिया पे भी बहुत जल्दी वायरल होने वाले हैं, जिस प्रकार से अंकित जी ने आपके जीवन के कुछ अंश अपने कैमरे में कैद किए हैं, तो निश्चित रूप से राजस्थान के हर कोने पे गुरुदेव को जान पाए। पिछले 21 साल से आप सेवानिवृत्ति ऑफिशियल जरूर हो चुके हैं, लेकिन अक्सर आपके मुंह से हमें यही सुनने को मिलता है कि डिपार्टमेंट ने आपको रिटायर किया, लेकिन स्कूल के प्रति लगाव आपका इतना ज़्यादा है कि आपको स्कूल में हम अक्सर देखते हैं, और अब तो गुरुदेव रेमेडियल क्लासेज भी लेते हैं स्कूल के अंदर, जो कमजोर बच्चे हैं उनको अक्षर ज्ञान शब्द ज्ञान भी आप सिखाते हैं, तो इसके लिए भी पूरा थालड़ का विद्यालय परिवार आपका हमेशा आभारी रहेगा, और उम्मीद है इसी प्रकार से आप अपनी भीनी भीनी मुस्कान के साथ थालड़का के इस परिसर में हमेशा दस्तक देते रहेंगे, जीवन से जुड़े किस्से से हम लगातार आपसे रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल आपको स्टूडियो से ले जाते हैं एक बार फिर ग्राउंड की तरफ, जहां पर 2-0 से बढ़त करता हुआ है।